ज्यादा पुराना जो है बहुत उनके बाद में बनी। जी बुंदेलखंड की फेमस राजनीतिक डांसर थी, जो छह राजनीतिकों में से एक थी राय परवीन। तो जो बुंदेला महाराजाओं की राजनीतिक डांसर थी, यहाँ उस टाइम पे थे महाराजा इंद्रजीत सिंह शासन में। इसकी जानकारी अकबर को हुई सन 1602 की बात है। तो उसने यहाँ के महाराज को एक मैसेज पत्र भेजा कि राय परवीन को हमारे दरबार में भेजा जाए, क्योंकि अकबर भारत का राजा था, महाराज लोकल के राजा थे। उस टाइम पे थे महाराजा केशव दास जी, रामायण को लिखा है केशव दास जी, तो वो राय प्रवीण उनकी शिष्या थी। तो यहाँ हलचल मच गई कि राय प्रवीण अब यहाँ से चली जाएगी। तो जब हलचल मच गई कि राय प्रवीण अब यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि अकबर बादशाह ने बुलाया है, तो यहाँ पूरे हलचल हुई। तो महाराज केशव दास जी कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, राय प्रवीण इतनी सक्षम और निपुण होशियार है कि वे अपनी बुद्धि और विवेक के दम पर वापस आ जाएगी। तब जो अकबर के दरबार में पहुँचती है, वहाँ दरबार आम लगा था, तो वो कहती है महाराज आपने पावर के दम पर हमको बुला लिया है, लेकिन मैं तो दूसरे के यहाँ की झूठन हूँ, मैं दूसरे यहाँ की राजनीतिक हूँ, लेकिन आपने पावर के दम पे हमको बुला लिया है और मैं आ गई हूँ, तो आप मेरी एक छोटी सी प्रार्थना सुन लीजिए। विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान, झूठी पातल भगत है बेरी वे सुहान। आप तो भारत के सम्राट हैं, महाराजा हैं, लेकिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे दूसरों का झूठन खाना सुअर कायु कुत्ते उबारी नाव करते हैं। आप तो सम्राट हैं, आपको जो शोभा नहीं देता है। तो अकबर को गुस्सा आया, लेकिन उसने राय प्रवीण को अंदर से सात सम्मान सहित ऊर्जा वापस भेज दिया। तो वो राय प्रवीण महल में रहती थी, डांस के रिहर्सल करती थी और राजमहल में नाचती थी, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। और जो है आपका जहांगीर महल, तो हम आपको लेके चल रहे हैं राजमहल। इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहते आप लोग? हाँ जाएंगे। चलो।